ये चराना चाहिए। कुत्तों को घुमाने का समय तो है हमारे पास, लेकिन गौ माता को घुमाने का समय हमारे पास नहीं है। जयपुर में सुबह सुबह देखना, सैकड़ों लोग मिल जाएंगे आपको, वो आधा पैंट पहन के अंग्रेजी स्टाइल में पट्टा पकड़ के कुत्ते को घुमाने जाएंगे। आप उनको पूछो कि भाई साहब सिद्ध पधारो हो, अरे कुत्ता ने फ्रेश करावा ले जा रही हूं। भाई साहब फांका दादाजी 95 साल का छे, वाने कदी हाथ पकड़न संडास तक ले गया, लेटरिंग तक ले गया, फ्रेश करावाने कदी नहीं ले गए। अरे कुत्ता तो कचरे का ढेर देख के वैसे ही फ्रेश हो जाएगा। आपने कभी अपने माँ बाप की या गौ की सेवा की? स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बड़ी उत्तम बात कहा करते थे कि माँ बाप की सेवा करोगे तो माँ बाप आशीर्वाद देंगे, दूध आनाओ, पूता फड़ो, आनंद करो, मौज मनाओ। गाय माता जी की सेवा करोगे तो गाय माता जी आशीर्वाद देगी, पैक खुंटा जाओ। और कुत्ते की सेवा करोगे तो आशीर्वाद थोड़ा बहुत कुत्ता भी देगा कि भाई तू ही जन्म में मारी सेवा कर रहे हो, अगला जन्म में तू कुत्तो बन जे, मुँह भी थारी टकाटक सेवा करू। लो करा लो रिजर्वेशन, ऐसा कोई करवाना हो तो। मैं ये नहीं कहता कि कुत्ते को मार दो, हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं, दया के सागर हैं, हम चींटी को भी आटा डालते तो कुत्ते को मारने की कोई बात नहीं। हमारी संस्कृति ने कुत्ते को भी जगह दी है, पहले रोटी गाय माता को, अंत में रोटी कुत्ते को, और घर के भीतर गाय माता, दरवाजे पर कुत्ता, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो दरवाजे का कुत्ता कार में घूम रहा है और घर के अंदर की गाय माता सड़क पर कचरा खा रही है, वो दरवाजे का कुत्ता बेडरूम में बैठा है और उसको सहला रहे मेरा पिल्लू बेटा, फिर बेटे ही अरे कुत्ते जैसे होते जा रहे हैं। क्योंकि संगति का असर तो पड़ेगा ही भाई, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच कर संगा। अगर कुत्ते के संगति करोगे तो कुत्तियत आएगी ही आएगी, और गौ की संगत करोगे तो मातृत्व भाव होने के कारण हम में पुत्रत्व का भाव पैदा होगा ही होगा।